हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्लावर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, पम्मी गणेशा गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इसी फ्लावर के बारे में। ये एक्जोरा का फ्लावर है, इसे रुक्मिणी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये फ्लावर। इसमें एक ही बंच में कम से कम 30 से 40 तक का कलियां आती एक साथ हैं। और ये देखिए एक साथ इतनी सारी कलियां आती हैं, और ये जब सारी कलियां खिल जाती हैं तो ये पूरा एक बॉल नुमा फ्लावर बन जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हार्डी प्लांट होता है और पूरे साल चलता रहता है, और इसमें कभी भी फ्लावरिंग होती है पूरी साल। ऐसा नहीं है कि गर्मी में ही होगी या सर्दी में ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूरे साल कभी भी फ्लावरिंग होती है। एक बार इसमें ये फ्लावर आ जाते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक बार ये फ्लावर आने के बाद ये प्लांट पर लगभग एक महीने तक ऐसे ही बने रहते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूसरा ये छोटी छोटी पत्ती दिख रही है, ये मिनी एक्जोरा है। इसे ज़्यादातर हेज बनाने के काम में यूज़ करते हैं लगाने के लिए। अगर हेज कहीं बनाना है आपको, बॉर्डर देना है, तो ये मिनी एक्जोरा लगाइए। ये भी बहुत हार्डी होता है, इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, इतने बड़े नहीं आते हैं, लेकिन हमेशा पूरे साल इसमें भी फ्लावर रुक रुक कर आते रहते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है एक्जोरा फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी। फ्रेंड्स, रिच मिट्टी बननी चाहिए और ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, सैंडी सॉइल हो और अच्छी मात्रा में कंपोस्ट वगैरह हो उसमें, और जिससे कि ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके। क्योंकि एक्जोरा हैवी फीडर प्लांट होता है, इसमें एक साथ इतने सारे फ्लावर आते हैं, तो इनको अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज करना होता है, जिससे इनको अच्छे से फूड मिल सके और माइक्रो न्यूट्रंस मिल सके इनको। उसके लिए आप मिट्टी में अगर बोन मील यूज करते हैं तो बोन मील डाल सकते हैं, और नीम खली जरूर डालिए, और सीवीड फर्टिलाइज़र अगर ग्रेनुअल है तो मिट्टी में ही मिक्स कर दीजिए, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। और वैसे बनाना पील है, वर्मी कंपोस्ट है, या सरसों की खली का लिक्विड है, आप इसमें अच्छे से देते रहिए, कम से कम 10 दिन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है, इसको हफ्ते में 10 दिन में फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रंस दीजिए इसमें, जैसे कि अगर आप एनपीके देते हैं तो 90-19 या 20-20 उसका स्प्रे करते रहिए हर 10 दिन में अपने प्लांट पर, पूरी पत्तियों पर, जिससे बहुत अच्छा और इसमें रिजल्ट मिलता है। अगर सीवीड है आपके पास लिक्विड, तो सीवीड का लिक्विड उसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर अच्छे से पूरे प्लांट पर सीवीड का स्प्रे कर दिए जिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे भी। बनाना पील फर्टिलाइज़र है, मस्टर्ड केक का है, एनपीके 90-19 या 20-20 और सीवीड, ये सब इसके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं फ्लावरिंग के लिए। और फ्रेंड्स, ये फुल सन का प्लांट है, इसको बहुत अच्छी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको डायरेक्ट 5 घंटे की कम से कम धूप ज़रूर मिले, और जिससे ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।